एवर थॉट ऑफ गोइंग टू सोलो एंड प्ले फॉर मोस्ट फैन बेस और इन इंडिया? ऑफकोर्स, किसने नहीं सोचा है. जब मैं कुछ नहीं था, मतलब जब मैं T1 सीन में नहीं था, इवन मतलब मैं तो स्टार्टिंग से हूँ सीन में, बट स्टिल मैं सोल वगैरह में नहीं था, गॉडलाइक में नहीं था उस टाइम, IND था उस टाइम स्काउट का, उसमें नहीं था. तब सोचता था यार सोल में जाना है, खेलना है, इतना फैन, इतना सपोर्ट मिलता है लोगों का. तो मैंने आई गेस पिछली कुछ स्ट्रीम में, मतलब कुछ टाइम पहले की स्ट्रीम में बोला भी था कि मेरा ड्रीम था कि मेरे को भी सोल के लिए खेलना है एक पॉइंट पे अपने करियर में. तो है ऑफ कोर्स वो ड्रीम है, सोचा तो है, देखते हैं बाकी. इवन सोल क्या, मेरे को गॉडलाइक का भी मतलब ऐसा है कि मेरे को, मतलब किसको नहीं खेलना यार, मेरे को भी मन तो होता है कि यार ये नाम भी रिप्रेजेंट करना है, वो नाम भी करना है रिप्रेजेंट. ऑफ कोर्स मन करता है. इन दिस पीरियड ऑफ टाइम सोल और गॉडल से ऑफर नहीं आया क्या? मतलब नहीं, क्यों नहीं आएगा ऑफर मेरे को सोल या गॉडलिक से? बिकॉज यू नो मैं अपनी टीम के साथ अच्छा कर रहा हूँ. तो पहली बात तो मतलब मेरे को या मेरी टीम में से किसी को कोई ऑफर नहीं करता, कर ही नहीं सकता, बिकॉज दे नो द आंसर. आंसर क्या होने वाला है हमारा? और के साथ ऑल गुड सॉर्टेड, पैसा में अच्छा खासा मिलता है, बॉन्डिंग उसी से अच्छी है, परफॉर्मेंस का इशू है नहीं, तो मैं क्यों ही छोड़ूंगा, समझ रहे हो? इसलिए कोई ऑफर ही नहीं करता है, और करेगा भी क्यों? अगर गॉड लाइक उसके पास जाएगी, मेरी ऑर्ग वाले हाँ बोलते हैं तो आपस में अगर उनका बात होती है, अगर मेरी ऑर्ग वाले मान जाते हैं तो मुझे जाने में कोई दिक्कत नहीं है. बट ऐसे बोलेंगे तो ऑफकोर्स मना ही करूंगा ना, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह होता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है कहीं पे भी खेलने में. ऐसा है, आई रिस्पेक्ट द पीपल जो मेरे को पे कर रहे हैं इतना ज़्यादा उनकी कंपनी को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो उनका डिसीजन है इस चीज़ को लेके, है ना?